नमस्कार फ्रेंड्स, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब होगा सीईटी। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें एसएससी की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के आने वाले समय में तैयारी कराएंगे या बैंक की तैयारी कराएंगे, फ्रेंड्स 2018-19 में अब सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको वर्ष में एक टेस्ट देना होगा जिसका नाम है कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, सरकार ने अभी राज्यसभा में एक रिपोर्ट आई है जिसमें डिमांड की गई है कि लगातार कोर्ट केसेस होते हैं, पेपर लीक होते हैं और सभी एग्ज़ाम्स में व्यवधान होता है, लंबे समय तक टल जाते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाते, पोस्टिंग नहीं हो पाती। तो राज्यसभा में जो डिमांड की गई है उसमें डिमांड की गई है कि फरवरी से अगले वर्ष, फरवरी 2018-19 सत्र से एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, आईबीपीएस की परीक्षा हो, सभी के लिए एक परीक्षा कर दी जाए जिसमें कि एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि दो वर्ष के लिए मान्य होगा, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होगा। तो दोस्तों देखते हैं, ये दोस्तों पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा की ओर से ये रिपोर्ट नंबर 95 है, इसमें डिस्कस किया है डिमांड ऑफ ग्रांट्स 2018 मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और एंड पेंशन। तो दोस्तों इस रिपोर्ट 14 मार्च 2018 की, इसमें हवाला दिया गया है कि सीजीएल के एग्ज़ाम की बात करें तो 2013 का ले लें, सीएचएसएल ले लें, सीजीएल 2014 ले लें, सीएचएसएल 2014 लें, कांस्टेबल 2015 एग्ज़ाम ले लें, एसआई का एग्ज़ाम ले लें, एमटीएस का एग्ज़ाम ले लें, CGL 2016-17 का एग्ज़ाम ले लें, टीयर वन टीयर टू, तमाम तरह के केसेस, चीटिंग केसेस, क्वेश्चन पेपर लीकेज, तमाम तरह की ऐसी गड़बड़ियां पाई गई SSC के एग्ज़ाम्स में, जिससे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से व्यथित हुए, बहुत सारे स्टूडेंट के सिलेक्शन हुए और गलत तरीके से नियुक्ति आई। ये आज से नहीं, पिछले 3 या 4 साल से ये चीज़ें हो रही हैं SSC में। इसके बाद जो राज्यसभा में डिमांड की गई, जो 38 नंबर चार्टर है उसमें डिमांड की गई कि जो CET हो, कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट हो या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, उसमें दो तरह का टीयर हो। कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट प्रीमेटली टीयर वन एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑल रिक्रूटमेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक SSC, रेलवेज, बैंकिंग एट्सेट्रा। यानी कि टीयर वन एग्जाम होगा, जैसे SSC की परीक्षार्थी तैयारी कर रही हो, रेलवे की तैयारी हो, बैंकिंग की तैयारी कर रही हो, अन्य किसी परीक्षा की तैयारी हो, उनके लिए एक ही एग्जाम होगा टीयर वन का, कॉमन एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन एग्जाम होगा टीयर टू, वो एक इंडिपेंडेंट कॉमन कम्युनिटी कराएगी या एजेंसी कराएगी जो कि संबंधित क्षेत्र से संबंधित होगी, चाहे वो SSC से हो, रेलवे के लिए हो या बैंकिंग अवेयरनेस से जानकारी रखता। तो इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और निकल कर आया है, एग्ज़ाम किस तरह से होगा। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को मैंडेटरी होगा कि वो नेशनल कैरियर सर्विस पर लॉगिन करें, एक यूनिक आईडी बनाएं, ईच कैंडिडेट का एक लॉगिन आईडी होगी, वो चाहे हाई स्कूल पास, जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हो स्टूडेंट या उसको एग्ज़ाम देना हो, 10+2 लेवल का एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको NCS नेशनल कैरियर सर्विस का जो सरकार के द्वारा डेवलप पोर्टल डेवलप किया है, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लगभग उम्मीद है 5 करोड़ युवा इसमें रजिस्टर कराएंगे और CET की प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट फाइनेंशियल ईयर 2018 ओनली वन लेवल CET एट ग्रेजुएट लेवल वुड बी कंडक्ट इन फरवरी 2017। उम्मीद है दोस्तों 2019 की शुरुआत में, फरवरी 2019 में ये CET जो टीयर फर्स्ट एग्जाम है वो सभी, चाहे SSC का हो, रेलवेज का हो या IBPS का हो, वो निश्चित रूप से कंडक्ट हो सकता है। उम्मीद यही है जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। उसके बाद ये CET का जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो 2 साल के पीरियड के लिए वैलिड होगा, तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें टीयर टू एग्ज़ाम के लिए। जो टीयर वन एग्ज़ाम होगा, जो टीयर टू संबंधित डिपार्टमेंट्स में आप देंगे, चाहे SSC में दें, रेलवेज में दें या IBPS में दें, ये टीयर टू का जो टीयर वन का स्कोर कार्ड है वो अप्लाई होगा, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा हमें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं CET जल्दी से, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जल्दी से जल्दी होगा, जिससे कि स्टूडेंट्स तमाम तरह की
जो पेंडिंग ये चीज़ें हैं इनसे निजात पाएंगे और सिलेक्शन पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सीईटी के बारे में बताइएगा। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।